दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सती प्रथा। आप में से जिन लोगों को सती प्रथा क्या होती है अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, सती प्रथा एक तरह का रिवाज कह लीजिए कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी चिता में खुद को समर्पित करना होता था जिसमें उसके पति का शरीर जल रहा हो, या फिर अगर पति की मृत्यु जंग के दौरान हुई हो तो पत्नी को जौहर यानी कि सती होना पड़ता था। दोस्तों, हमें हमेशा से ये बताया गया है कि भारतीय स्त्रियों को जौहर या सती होने के लिए मजबूर किया जाता था और ये प्रथा हिंदू धर्म के रिवाजों के अंतर्गत आता था। पर मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि ऐसा कोई रिवाज या ऐसा कोई नियम धर्म के अंदर कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर आपने कभी हमारे पुराणों पर नजर डाली होगी तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि भारतीय स्त्रियां विधवा जीवन को भी किसी व्रत की तरह जीती थी, जिसके कई उदाहरण हैं, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री राम की माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भी उनकी तीनों रानियों ने जीवित रहकर विधवा जीवन का पालन किया था। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी, वानर राज बाली की पत्नी तारा, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और भी ऐसे कई नाम हैं रामायण काल में। और अगर महाभारत काल की बात की जाए तो ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे, जैसे पांडवों की मां कुंती। महाभारत के युद्ध के बाद ऐसी हजारों औरतें हैं जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद भी अपना पूरा जीवन जिया। ऐसा नहीं कि सतीत्व उस वक्त था ही नहीं। जिन औरतों को अपने सुहाग के बिना जीवन जीना स्वीकार नहीं होता था वो सतीत्व अपनाती भी थी, और ऐसी औरतों को माता का दर्जा देकर उनकी पूजा भी की जाती थी। पर यह कहना गलत है कि इसके लिए औरतों को मजबूर किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, ये सरासर गलत है। दरअसल मैंने जहां तक खोजबीन की और जो निष्कर्ष मिला उससे ये पता चलता है कि ये सती प्रथा की घटनाएं मुगल काल में अधिक हो गई थी। जब थोड़ा और गहराई तक जानकारी पाने के लिए किताबों का सहारा लिया तब जाकर पता चला कि मुगल लुटेरे जो धन और जमीन कब्जा करने के साथ साथ औरतों पर भी अधिकार जताते थे, और हिंदुस्तान में लूटमार के साथ ये यहाँ की औरतों के इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया करते थे और उन्हें बेआबरू भी करते थे, जिसका एक ही इलाज था कि जब कभी किसी राज्य या राजा की युद्ध में हार होती थी तो उस राज्य की रानी अपने राज्य की औरतों के साथ जौहर यानी कि सती हो जाती थी। आपने फिल्मों में भी ये घटनाएं देखी होंगी पर शायद कभी गहराई तक गौर नहीं किया होगा। अपने पति की मृत्यु के बाद किसी वहशी के हाथ का खिलौना बनने से बेहतर है मर जाना, तब की वीरांगनाओं को मंजूर हुआ करता था, और उनमें से कितनों ने ही लड़ते हुए वीरगति पाई। शायद उनका ये मानना था कि जान जाए पर मान न जाए। अगर आपके मन में अभी भी सवाल है तो रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास देख लीजिए। अपने पति के जाने के बाद उस औरत ने तो सतीत्व नहीं अपनाया बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए शहीद हो गई। वामपंथियों द्वारा बनाए गए इतिहास में तो हमें बस मुगलों का महिमा मंडन ही पढ़ने मिलेगा। उनके घिनौने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने हिंदू धर्म को ही विवादों के बीच खड़ा कर दिया। पर दोस्तों, इस मुद्दे पर हमें बहुत जोर देकर जानकारी लेने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। आज के इस युग में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म को सती प्रथा, बाल विवाह जैसी धारणाओं से जोड़कर बस बदनाम करते हैं। इन प्रथाओं के होने से मैं इनकार नहीं करता, पर इनको किस माहौल में अपनाया जाता था, ऐसी क्या मजबूरी होती थी, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।